Right, in which we already discussed the first functional group, that is the alcohol. हम लोगों ने alcohol को discuss कर लिया था, ठीक है? Now, haloalkanes is not a functional group, but alkanes are attached. ठीक है? Sorry, halogens. Now, alcohols we discussed. मैंने अगर आपको बताया था कि अल्कोहल में भी इफ यू विल सी CH3OH राइट C2H5OH C3H7OH है ना, हमने ये डिस्कस की थी चीज कि जब सक्सेसिव ग्रुप होते हैं तो दे आर हैविंग द डिफरेंस, जो सक्सेसिव है दे आर डिफर बाय द CH2 ग्रुप और द 14 AMU. ठीक है, आप इसमें भी करके देख सकते हो. होमोलोगस सीरीज में they are having the similar chemical properties and structure and the successive group is different by successive compound jo hai that is differ by the CH2 group or 14 AMU. inke molecular masses nikal ke dekh lo, 12 1 2 3 plus 16 plus 1 देखो निकाल के जरा, सेम आ रहा है कितना हुआ 32 46 ठीक है, इनका डिफरेंस निकाल के देखो, 60 में से 46 माइनस करो, ठीक है, 46 में से 32, ठीक है, तो अब यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव ग्रुप इज 14 AMU और वी कैन से इट द CH2 ग्रुप. ठीक है, मैंने मिथेन और उसके साथ बताया था, तो आई एम जस्ट गिविंग यू द वन मोर एग्जांपल विद द अल्कोहल ऑल्सो वी कैन सी the successive compound is differ by the CH2 group or the 14 AMU. Right, now write down the second functional group, alcohol OH we discussed, second functional group we will discuss aldehydes. Write down second functional group, hum functional group discuss kar rahe the, in that सेकेंड इज एल्डिहाइड. अब इसमें एल वर्ड जो है दैट विल यूज, ठीक है, दिस इज सुफिक्स, यहां पे एल वर्ड लगता है, AL, अल, इट्स कॉल्ड अल. ठीक है, एंड द ग्रुप दैट इज अटैच दैट इज CHO, एंड वी कैन ऑल्सो शो लाइक दिस C double bond O H. ठीक है, इसका भी सेम जैसे फार्मूला हम उस टाइम डिस्कस कर रहे थे CnH2n, तो इसमें फार्मूला लगता है CnH2nO. CnH2nO. राइट डाउन, मैं बना के दिखाती हूँ. ठीक है, ये देखो सी, ठीक है, वी कैन राइट HCHO, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वी कैन राइट डाउन इन दैट वन ऑल्सो. ठीक है, आप ऐसे भी मतलब HCHO इकट्ठा भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख शो कर सकते हो, मतलब दिस कार्बन विल कंसिडर्ड एज वेल एज इन द फंक्शनल ग्रुप ऑल्सो एज वेल एज द नंबर ऑफ द कार्बन. ठीक है, What is the name of this compound? What is the name of this compound? इसका अब नाम क्या है? कितने कार्बन है? One bond single. One से हो गया मिथ. We will not consider this one. हम ये जो bond है ये नहीं. We will just see कि उनमें bonding single. That is
मिथेन ई नहीं आएगा, उसकी जगह लग जाएगा अल, मिथेनल। ई की जगह पे वी विल राइट डाउन मिथेनल, अल वर्ड यूज होगा मिथेनल। एंड व्हाट इज इट्स कॉमन नेम? आपको दो चीजों के कॉमन नेम यू हैव टू लर्न। यहाँ पे एल्डिहाइड में जो कॉमन नेम है, द फर्स्ट कॉमन नेम मतलब मिथ वाला जो है, दैट इज द, जैसे हम किसी चीज को फॉर्म करते हैं, सपोज इफ आई हैव टू स्टार्ट समथिंग, लाइक मुझे अपना कोई ग्रुप स्टार्ट करना है, तो आई विल फॉर्म दैट वन। ठीक है, तो पहले वाले को वी विल से द फॉर्म, एंड द सेकेंड वन वी विल से एसेट्स। जब आपकी एक चीज, जैसे आपने कोई फैक्ट्री खोलनी है, तो आपने उसकी फॉर्म करा, मतलब आपने उसको फॉर्म करा, एंड आफ्टर दैट वही आपके क्या बन जाते हैं, एसेट्स। फर्स्ट इज फॉर्म, तो यहाँ पे आपका नाम हो जाएगा फॉर्म एल्डिहाइड, जिसको हम बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। फर्स्ट जो है मिथेनल, दिस इज कॉल्ड द फॉर्मेल्डिहाइड। अब मैं इसका सेकेंड आ जाऊं, सी दो कार्बन, राइट तो इसका जो नेम बनेगा वो क्या बनेगा, इथेनल। टू कार्बन दैट इज सिंगल वर्ड एन, ई की जगह पे क्या लग जाएगा, अल, इथेनल। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ कंडेंस्ड फॉर्मूला में, सी एच थ्री सी एच ओ भी लिख सकती हूँ, राइट, सी एच थ्री सी एच ओ भी लिख सकती हूँ, और उस तरह से भी लिख सकती हूँ सी एच थ्री डबल बॉन्ड के साथ। सो इसका नाम क्या हुआ, दो कार्बन है, इथ ई नहीं आएगा, एंड व्हाट वी विल राइट डाउन, अल, इथेनल, राइट। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, कॉमन नेम, आई एम सेइंग द फर्स्ट वन इज कॉल्ड फॉर्म, सेकेंड वाले को हम क्या बोलेंगे, एसीटैल्डिहाइड, एसीटैल्डिहाइड। राइट डाउन द कॉमन नेम, एसीटैल्डिहाइड। बच्चा हाउ वी कैन रिमेंबर दिस, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, फर्स्ट दैट इज द फॉर्मिंग ऑफ समथिंग, दैट इज फॉर्म एल्डिहाइड, सेकेंड टाइम पे दैट विल कंसिडर, वी विल कंसिडर इट एज अ एसिड्स, एसिड एल्डिहाइड। इज इट क्लियर बेटे? ठीक है, थर्ड वाले पे कोई चेंज नहीं, वो प्रोपीनल ही बनेगा एंड प्रोपेन एल्डिहाइड। ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं, ओनली यू हैव टू लर्न दीज टू नेम्स। इज इट क्लियर बेटे? इज इट क्लियर बेटा? राइट, देन राइट डाउन द नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप, alcohol, aldehyde. Now we will discuss the third one, that is ketone. Ketone. इसमें जो word लगता है own, ये वाला word own. Ketone में we will use the word own. ठीक है, अब इसका जो हमारे पास होता है the same formula CN H2NO, राइट बट इसमें हमारे पास सबसे मेन चीज कीटोन में क्या होती है, दिस विल स्टार्ट फ्रॉम द थर्ड, मतलब थर्ड नंबर से स्टार्ट होता है। इसके लिए हमारे पास है सी ओ ग्रुप लगेगा, एंड हाउ, वन टू थ्री, एंड हेयर इज डबल बॉन्ड, मतलब दिस कार्बन सेंटर में डबल बॉन्ड आना चाहिए, उनकी दोनों साइड पे कार्बन अटैच होंगे। Is it clear बेटे? Is this point clear? Ketone जो है that will start from the third number से. Third number means three carbon should be there because the center one है that is surrounded by the, मतलब जिसके ऊपर हम ketone group show कर रहे हैं, that will surrounded by the two other carbon atoms. Clear? अब इसका नाम लिखो क्या बनेगा? इसका नाम क्या बनेगा, इसको कंडेंस्ड फार्मूला लिखना तो क्या लिखूंगी मैं, सी एच थ्री लाइक दिस, राइट। तो व्हाट इज इट्स नेम, ये सबसे सिंपलेस्ट कीटोन होता है हमारे पास। हां जी नव्या, एक मिनट, अनम्यूट योर सेल्फ नव्या। मैम प्रोपेनोल, हाउ मेनी कार्बन, थ्री, prop bond is single, e नहीं आएगा,
उसकी जगह आ गया ऑन, तो इसका नाम बन जाएगा प्रोपेनोन। हां जी दिव्यांश, अनम्यूट योरसेल्फ। ठीक है, नो डाउट। एंड व्हाट इज इट्स कॉमन नेम? दैट इज एसीटोन। कॉमन नेम इज एसीटोन। ठीक है, इसका अगला एक और लिखते हैं मैम। इसके एक्सक्यूज मैम। हाँ हाँ, इसमें एक बड़ी डाउट था मैम, प्रोपे मैम उसके क्या लग रहा है? दोबारा तो दो, दोबारा बोलो दिव्यांश, रिपीट। मैम एक बड़ी नेम दो, नेम बता दो। इसका नेम कैसे बनाएंगे? ये देखो ना, हाउ मेनी कार्बन? 1 2 3, थ्री कार्बन मींस यस मैम, प्रोप। ठीक है, प्रोप। ठीक है, बॉन्ड कौन सा प्रेजेंट है? Single. We will not consider this. We will see this. Single, that means N word आ गया. E की जगह पे क्या लगेगा? क्योंकि ये C double bond O है. Own. इसका जो है word own लगना है. One, we will not say one. It is called own. Like propane लिख के साथ में own. Propane known. Clear है दिव्यांश? ठीक है. Next लिखो. Now, अब इसका नाम क्या है? ये देखो, अगर मैं इसको कंडेंस फार्मूला लिखूं तो क्या बनेगा? CH3। ठीक है, इसको इकट्ठा भी लिख सकती हूँ, C2H5, राइट? अब हमारे पास, हाँ जी दिव्यांश, एक मिनट, रियान, रियान अनम्यूट योरसेल्फ, सॉरी रियांशिका, रियांशिक नहीं, हाँ जी रियान बोलो। ब्यूटेनॉन ऐसे कुछ, ब्यूटेनॉन। 1 2 3 4, बिल्कुल सही है बेटा। ब्यूट, सिंगल बॉन्ड एन, एन ई की जगह पे लग गया ऑन, ब्यूटी नोन, बिल्कुल सही है। दिस इज द IUPAC नेम, जो हम नंबर ऑफ कार्बन काउंट करके व्हेन वी विल मेक दैट वन, दैट इज कॉल्ड IUPAC नेम। व्हाट इज इट्स कॉमन नेम? कोई कॉमन नेम बताएगा? कॉमन नेम कोई बताएगा? Anyone? Navya? Navya, Saksham? Anyone? Jia? No? ये देखो, what is this? Methyl group? What is this? Ethyl group? M और E में से कौन पहले आता है? E? So it is इथाइल, मिथाइल, कीटोन। इथाइल, मिथाइल, कीटोन। सो इट्स कॉमन नेम, ब्यूटेनॉन का क्या बन गया? इथाइल, मिथाइल, कीटोन, दैट इज द कॉमन नेम। अदरवाइज IUPAC नेम इज ब्यूटेनॉन। इज दिस पॉइंट क्लियर बेटा? क्लियर है बच्चे? दिस पॉइंट इज क्लियर और नॉट? नेक्स्ट लिखिए फिर, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें लगता है हमारे पास ओइक। ओइक वर्ड वी विल यूज, ठीक है, एंड like this, ठीक है? ठीक है जी, सिंगल कार्बन, ठीक है, ये बन गया आपके पास HCOOH। हम इसको COO, आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी बात कर सकते हो, COOH, ठीक है, HCOOH। नाउ व्हाट इज इट्स नेम? सिंगल कार्बन, दैट इज मिथ, सिंगल बॉन्ड इन ओइक, मिथेनोइक एसिड।
its common name IUPAC name is methanoic acid. And what is its common name? Formic acid. Formic acid. Where the formic acid, you read about the formic acid, where it is present? Anyone? Where the formic acid is present? Yes, Saksham, unmute yourself. Ants. Ant sting, yes. In ant sting, this is present, that is the formic acid. And what is the formula of this one? HCOOH. Agar main ab iska dusra likh rahi hu, do carbon if I am taking. ठीक है कंडेंस्ड फार्मूला इसका बन जाएगा सी एच थ्री सी ओ ओ एच ऐसे भी लिख सकते हैं सी एच थ्री डबल बॉन्ड के साथ तो इट्स IUPAC नेम इज इथ टू कार्बन है इथ सिंगल बॉन्ड इथेनोइक एसिड ठीक है एंड अदर सॉरी कॉमन नेम ऑफ दिस इज एसिटिक एसिड Where is the acetic acid present? Acetic acid present. Hanji Vivan, unmute yourself. Vinegar. Vinegar. ठीक है तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि वी विल डिस्कस वी ऑलरेडी डिस्कस इवन रादर कि सम ऑफ द फंक्शन ग्रुप बिकॉज द नंबर ऑफ द कंपाउंड्स यू ऑलरेडी रेड ठीक है लाइक इन विनेगर आप पढ़ चुके हो तो दे कैन गिव द फार्मूला दे कैन गिव यू द फार्मूला एंड आस्क कि व्हाट इज एक्चुअली तो दैट्स व्हाई वी हैड डिस्कस दिस फंक्शन ग्रुप ठीक है आफ्टर दैट आवर चैप्टर इज कंप्लीट मतलब साइक्लिक हाइड्रोकार्बन इनमें से कुछ भी आ जाए हमारे पास दीज ऑल आर सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन दिस इज अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन ठीक है सैचुरेटेड में सिर्फ यू हैव टू सी द नंबर मतलब द शेप इज क्लोज रिंग शेप क्लोज तो आप यू विल यूज द वर्ड साइक्लो उसके बाद यू विल काउंट द नंबर ऑफ कार्बन सिक्स तो यू विल यूज द वर्ड हेक्स फाइव पेंट फोर ब्यूट थ्री प्रो So you will write down the name. Only you have to learn this one, C6H6, that is benzene. Where the bond, double bond is present at an alternate position. Okay? By tomorrow, we will discuss the periodic classification. Is it clear to everyone?